आप सभी देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं मायरा। आप सबको बता दें कि दो दिन पहले, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जम्मू शहर के अंदर ट्रांसपोर्टर्स द्वारा चक्का जाम की जो अनाउंसमेंट है वो की गई थी। अब चक्का जाम हुआ नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टर्स से भी जब हमने बातचीत की, उन्होंने कहा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इस चक्का जाम को कंटिन्यू रखा जाएगा। लेकिन वहीं हमने देखा जम्मू शहर की सड़कों पर मेटाडोर जो है वो दौड़ रही थी। तो इस सब पर बातचीत करेंगे, इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फिलहाल जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव जी। सबसे पहले तो सर थैंक यू, आपने अपना प्रेशियस टाइम स्टेट टाइम्स को अपना टाइम दिया। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि आपका उनके साथ कोई सेटलमेंट हुआ या कुछ? देखिएगा, जैसे कि मैंने पहले भी आप जो है ये बात बोली है कि हमारा मल्टीपल राउंड ऑफ डिस्कशन जो भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ हुआ है। लास्ट दो महीने में हम जो है वो पांच बार हमारी जो है वो मीटिंग हुई है, तीन बार मेरे ऑफिस में हुई है, दो बार जो है वो RTO साहब के ऑफिस में हुई है, एंड कल जो है वो फ्राइडे को फिर से हमारी वन राउंड ऑफ मीटिंग फिर से हुई। और जिसमें कि जैसे कि हमने पहले बोला था कि बिकॉज जहाँ जहाँ पर लोगों की डिमांड है, वी आर सपोज टू प्रोवाइड बस सर्विस और वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड बस सर्विस, बट एट द सेम टाइम कि एक बातचीत से एक बीच का रास्ता है कि कहीं पर अगर कोई बस का फ्रीक्वेंसी का इशू है, टाइमिंग का इशू है, दैट कैन बी डिस्कस्ड। लेकिन सर हमने देखा कि काफी डिस्टर्ब रहे लोग भी उस दिन, जनता की अगर बात की जाए, ट्रांसपोर्टर्स द्वारा जो है चक्का जाम का जो भी अनाउंसमेंट थी उन्होंने की, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मेटाडोर्स चल भी रही है, नहीं भी चल रही है, तो वो सब क्या था? उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी किए। देखिएगा, मैं तो उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं तो केवल आपको यह बता पाऊंगा कि वी हैड अ फर्दर राउंड ऑफ डिस्कशन विद द ट्रांसपोर्टर्स, एंड उसके बाद जो है कि हमने जो जैसे कि मैंने आपको बताया आपको बता रहा था कि फ्रीक्वेंसी और जो टाइमिंग है उसके ऊपर वी कैन हैव डिस्कशन, बट एट द सेम टाइम वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड बस सर्विसेज। सो हम जहां जहां पर हमारी बस सर्विस थी हम उसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो है वो फ्रीक्वेंसी और टाइम टेबल को लेकर जहाँ 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 पर जो रिजर्वेशन जो है अगर ट्रांसपोर्टर द्वारा दिखाया गया तो उसको जहाँ तक हम एड्रेस कर सकते थे वहाँ तक हमने एड्रेस करने की कोशिश की है, सो दैट एक मिडिल ग्राउंड हम जो है वो अचीव कर सकें जिसमें कि हम जम्मू में बेहतर सर्विस आपस में मिलकर दे सकें। क्योंकि टेक्निकली व्हेन वी से कि ट्रांसपोर्टर्स ई बस एज ए ई बस सर्विस वी आर ऑल्सो ए ट्रांसपोर्टर, सो वी आर ऑल्सो मीन्स रादर देन seeing each other as a competitor, we should be seeing each other as a someone जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। सो उसी नजरिए से हम एक दूसरे को देखें और इसी को ध्यान में रखते हुए वी हैव ट्राइड टू फाइंड अ मिडिल वे और हमारी बस सर्विस जो है वो कंटिन्यू जो है हम उसको करेंगे। और कुछ जगहों पर जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एक जहाँ पर हमारा टाइमिंग को और जो है वो फ्रिक्वेंसी को लेकर जो इशू थे वो हमने लार्जली हमने वी हैव रिजॉल्व, और जो है वो हमारी बसेस जो है वो इसी तरीके से अप्लाई करती रहेंगी और साथ में जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो दूसरे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी बस भी अप्लाई करेंगी। अगर फिर से ट्रांसपोर्टर्स द्वारा ऐसी स्थिति बनने की कोशिश उनके द्वारा की गई तो फिर आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिएगा, कन्फ्रंटेशन को जैसे मैंने आपको बताया कन्फ्रंटेशन में जाकर कोई किसी को भी कोई फायदा नहीं होता है, हमें हमेशा एक म्यूचुअल विन विन की सिचुएशन निकालनी चाहिए। और हमारा बेसिकली जो एफर्ट है वो इसमें लगना चाहिए किस तरीके से अगर नंबर ऑफ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो बैठने वाले लोग हैं, जिस किस तरह से हम जो लोग कार में ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं या फिर अपनी बाइक से आ रहे हैं उनको हम शिफ्ट कर सकें बस इसमें, रादर देन हम ये सोचें कि मेरी बस में अगर कोई पर्सन बैठ रहा है तो आपकी बस से उतर कर बैठ रहा है। सो वी शुड बी, हमारा जो है वो जो ध्यान है वो इस पर होना चाहिए ज्यादा कि हम किस तरीके से नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ा सके, नंबर ऑफ जो बेस है उसको जो बेस साइज है उसको बढ़ा सके। सो उसी की तरफ हम जो है वो काम कर रहे हैं सो दैट हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, चाहे वो ई बस का जाए वो ई बस में बैठे या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में बैठे, बट अल्टीमेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड मोर एंड मोर। जहां पर हम बस सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे वहां पर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर जो है वो सर्विस की या फिर लोगों की डिमांड है या फिर सर्विस की गुंजाइश है वहां पर जो है वो ई बस सर्विस भी अपना जो है वो पार्टिसिपेशन करें, और कुछ जगहों पर जहां पर प्राइवेट बस सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वहां पर उन रूट पर ई बस सर्विस जो है वो सर्विस प्रोवाइड करें, सो दैट लोगों को ज्यादा से ज्यादा रूट पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अवेलेबल हो। सही कहा आपने, लेकिन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत काफी इससे प्रोजेक्ट्स है जिन्हें लॉन्च किया गया है, उन्हीं में से एक ई बस थी। ई बसेस की जहां तक बात की जाए मुझे लगता है लोग काफी ज्यादा खुश हुए क्योंकि काफी फैसिलिटीज जो है ई बस द्वारा प्रोवाइड की गई। लेकिन वहीं मेरा ये सवाल रहेगा आपसे, जिस दिन चक्का जाम की अनाउंसमेंट की गई थी ट्रांसपोर्टर्स द्वारा उस दिन हमने देखा कि ई बसेस में लोग जो है वो खड़े खड़े इस कदर थे कि दरवाजे तक फुल,
मतलब ऐसा हुआ था, जबकि ऐसा पहले बता दिया गया था कि ई बसेस में जितनी सीट्स हैं उतने ही लोग बैठेंगे? देखिएगा, जो हमारी ई बसेस हैं उसकी जो कैपेसिटी है बेसिकली उसमें मीन्स एज पर नॉर्म्स जो है हमारी, जो क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉर्म्स होते हैं, जो हमारी ई बसेस हैं उसमें जो 9 मीटर बसेस हैं उसमें सिटिंग के बाद 50% स्टैंडिंग इज अलाउड। जिस तरह से आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि स्टैंडिंग इज अलाउड, क्योंकि उसमें फिर बस उसी हिसाब से नॉर्म्स के हिसाब से बनती है कि उसमें सिटिंग फिर उसी हिसाब से होती है कि क्या व्हील बेस है, क्या उसका जो जो मूवमेंट एरिया है वो कैसा है। तो हमारी बसेस में अगर आप देखेंगे तो जो है वो एक साइड सिंगल सीटिंग है, डबल सीटिंग ना होकर, सो और आगे की साइड में भी जो है वो सिंगल सीटिंग है। सो अकॉर्डिंगली जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं उसमें ऑलरेडी है कि कितनी सीटिंग अगर आप करते हैं और कितना अगर आप स्पेस छोड़ते हैं तो उसमें क्या स्टैंडिंग अलाउड होगी। सो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग एज पर दैट। लेकिन जो है अगर कहीं पर ओवरलोडिंग अगर स्मार्ट सिटी की बसेस भी करती हैं तो दे आर लायबल टू फाइन एज इन केस ऑफ अदर व्हीकल्स, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था कैमराज जो है निगरानी में रहते हैं, उनको देखते हैं, पूरा चेक जो है होता है। तो उस दिन मुझे लगता है चेक नहीं हुआ था शायद से, जब वो ओवरलोडिंग हो रही थी। नहीं देखिएगा, हम उसको रेगुलर चेक करते हैं, उसके लिए हम जो अपने ड्राइवर्स को हिदायत भी देते हैं कि आप ओवरलोडिंग ना करें, जैसे मैंने बताया कि वी आर आल्सो लायबल टू। बट उसके बाद जब आपने देखा, क्योंकि उस दिन क्योंकि और कोई अल्टरनेट अवेलेबल नहीं था, तो दैट्स व्हाई जो है कुछ जगहों पर जो है वो लोगों के द्वारा भी जो है वो क्योंकि वो सब इशू भी जो है वो रहते हैं। आपकी ड्राइवर्स के साथ कोई मीटिंग होती है? भी रेगुलर जो है हम रेगुलर जो ड्राइवर्स को हम रेगुलर काउंसलिंग जो है वो टाटा के द्वारा और हमारी टीम द्वारा जो है वो की जाती है कि क्या क्या उन्होंने फॉलो करना है, कहाँ कहाँ पर उन्होंने स्टॉपेज के ऊपर ही किस तरीके से स्टॉप करना है और क्या जो है वो रहना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी बसेस हैं वो विदाउट बेसिकली जब तक उनका गेट बंद नहीं होगा दे कैन नॉट मूव। सो कहीं पर भी ऐसा अगर जो है कि क्योंकि कि ऐसा कहीं पर कि लोग बस के बाहर लटके हों, इट इज नॉट पॉसिबल इन अवर बसेस, क्योंकि बाहर हैंग करने के लिए कुछ है ही नहीं और गेट जब तक बंद नहीं होगा बस मूव ही नहीं कर सकती है। लेकिन उस दिन ऐसा देखा गया था, बट फिर भी अभी तो ठीक है, अभी तो नॉर्मल चल रहा है क्योंकि मेटाडोर्स भी चल रही है और लोग पसंद करते हैं मेटाडोर्स पे भी ट्रैवल करना। लेकिन वहीं ई बस की बात की जाए तो इतनी फैसिलिटीज मिलने के बाद लोग काफी खुश भी नजर आए, लेकिन चक्का जाम जैसी समस्या हमने देखी जम्मू शहर के अंदर। तो अब समर्थन जो है आपका भी मतलब सेटलमेंट हो चुका है, तो अब ऐसी स्थिति बनने की देखिएगा, इस पे तो मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मींस नो वन कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, बट जो है कि अगर कहीं पर कोई भी अगर इशू है तो दैट कैन ऑलवेज बी रिजॉल्व विद द म्यूचुअल डिस्कशन, आपस में बैठकर सारे इशू जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। जो हमारा जो है लेकिन आज की डेट में जो हमारा जम्मू स्मार्ट सिटी की जो हमारी बसेस हैं, जो अगर कहीं पर अगर कोई भी इशू आता है वी आर ऑलवेज रेडी टू फॉर डिस्कशन, बट एट द सेम टाइम वी आर सपोज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस, वी आर सपोज टू जहां जहां पे भी लोगों के अगर रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं वी आर सपोज टू गो थ्रू दैट एंड फाइंड ए बेस्ट वे टू एड्रेस दोस इशूज। ओके, तो स्मार्ट सिटी के तहत अगर देखा जाए तो कुछ नए प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर आ सकते हैं? नहीं, फिलहाल तो हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हीं को ही जो है हम वी आर फोकसिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट। तो आप कोई मैसेज देना चाहोगे जो भी लोगों की भी एक प्रश्न थे काफी ज्यादा कि कमिश्नर राहुल यादव जी से पूछा जाए कि ट्रांसपोर्टर्स का ऐसा रहा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है लोगों ने भी फेस की है, तो उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? देखिएगा, मैं सभी जम्मू वासियों से यही निवेदन करूंगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करें और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अपनी गाड़ियां अपने जो है जो अपना जो स्कूटर्स वगैरह हैं उनको हम कम यूज़ करें। आप जम्मू स्मार्ट सिटी की बसेस जो हैं वो हमारा जो चलो ऐप है वहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं और उसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ करें सो दैट हमारी जो सिटीज जो हैं वो ट्रैफिक फ्री हो सके। चलो ऐप की आपने बात की है, चलो ऐप का अभी तक किसी को कोई नॉलेज नहीं, इसका थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन दें। चलो ऐप जो है वो हमारी चलो ऐप के थ्रू आप जम्मू में जो बस की जो है वो लाइव लोकेशन जान सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रूट पर बस चल रही है वो आप जान सकते हैं और आप इसको अपने इंस्टॉल कर आप जो है बस आपके नियरेस्ट स्टेशन पर कितनी देर में आने वाली है वो भी जान सकते हैं और उसके साथ साथ मोबाइल टिकट भी आप प्रोक्योर कर सकते हैं। मतलब मोबाइल पे हम टिकट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो अभी राहुल यादव जी से हमने बातचीत कर ली है, मुझे लगता है आपके प्रश्नों का भी जो जवाब है वो इन्होंने दिया होगा, और आपकी भी कोई क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप statetimes@gmail.com पे भी अपनी क्वेरीज कोई भी रहती है इसके अलावा भी इस पर आपकी क्या राय है वो तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रहता है तो आप मेल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।